सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डिलीवरी के नाम पर पैसा लिया जाता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गई। आरोप यह भी है कि डिलीवरी भी समय से नहीं कराई गई। यही वजह रही कि महिला शिवानी ने अस्पताल परिसर में फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। हद तो तब खत्म हो गई कि बच्चे को जन्म देने के काफी देर बाद अस्पताल प्रशासन जागा। इतना ही नहीं, अस्पताल की बिजली घंटों से गायब थी, कोई ठीक करवाने वाला नहीं था, क्योंकि जब महिला का प्रसव हुआ वहाँ सिर्फ एक नर्स थी जिसका नाम नीलम है और वो वहाँ कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। ऐसा पीड़ित परिवार का आरोप है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही का ये मामला पिसामा के सरकारी अस्पताल का है। हम यहाँ 7 बजे आ गए थे, 8:25 पे डिलीवरी हुई। हम सामान ले गए थे, लेने गए थे, बाहर ही डिलीवरी हो गई। बाहर गेट के बाहर हुई? हाँ, गेट के बाहर डिलीवरी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ आए तो देखे यहाँ पे डिलीवरी हो गई सामान लेके। उसके बाद यहाँ पे कोई था स्टाफ में? यहाँ पे नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर कैसे क्या हुआ? फिर जब आए तब नर्स देखे तब ले रहे। पिसामा से गोलू सिंह के साथ राहुल अरोरा, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।